नमस्कार, शाश्वत योगिक खेती टॉक शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं ये शो कृषि को समर्पित है, खेती को समर्पित है, इसलिए हर बार किसानी से जुड़े मुद्दे लेकर के हम आपके बीच में आते हैं। आज भी हम वाटर मैनेजमेंट की बारीकियों को समझेंगे। रहीमदास जी भी कह गए हैं, रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून। और सही भी है, क्योंकि कभी कभी तो हम पानी की एक एक बूंद अमृत के समान महत्व देते हैं और कभी कभी हजारों लाखों लीटर पानी व्यर्थ बहा दिया जाता है। आखिर क्यों हम इनके संरक्षण में पीछे रह जाते हैं? आइए इस विषय पर चर्चा करें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच स्टूडियो में मौजूद हैं एक्सपर्ट विष्णु पटेल भाई। विष्णु पटेल जी, मैं शाश्वत योगिक खेती टॉक शो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों। विष्णु भाई वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर इंजीनियर हैं। पिछले 16 सालों से वो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 10 साल तो उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र में बिताए हैं। आज ऐसे अनुभवी व्यक्तित्व का हम लाभ उठाते हैं। विष्णु भाई, आप देख रहे हैं कि 73% जल है पृथ्वी पर, लेकिन फिर भी जल की कमी होती आ रही है, जमीन बंजर होती जा रही है। मुझे लगता है कि हमें प्रकृति ने साधन तो पर्याप्त दिए हैं, लेकिन हम इसके प्रबंधन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो हम कैसे इस जल का संरक्षण कर सकते हैं, कृपया विस्तार से इस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। किसान मित्रों, देखा जाए तो आज तक हमने जो पानी यूज किया है उसका कभी हमने महत्व समझा ही नहीं कि खेती में पानी का क्या इम्पोर्टेंस है। वैसे देखा जाए तो कोई भी प्लांट सिस्टम है, जो भी कोई पौधा है, तो उसके लिए 90% वाटर की जरूरत, 90% उसकी जो बंधारणीय व्यवस्था है उसमें 90% वाटर है जी। तो जो पानी है उसको कैसे मैनेज किया जाए, तो ऑटोमेटिकली जब जो भी सिस्टम है वो सब मैनेज हो सकती है। तो आज तक हमने जो सोचा है कि गवर्नमेंट की जो भी स्कीमें हैं उसका हमने कभी हमारी स्कीम ऐसे करके यूज नहीं किया है। तो उसमें दो प्रकार की स्कीमें जनरली चलती है गवर्नमेंट की जी। उसमें पहला जो होता है कि जो सप्लाई साइड मैनेजमेंट, जो भी पानी बारिश का आता है उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाए, वो सप्लाई साइड मैनेजमेंट है। और दूसरा आता है जो भी हमारे पास पानी अवेलेबल है जी, वो पानी का कैसे मैनेजमेंट किया जाए, जो उसको डिमांड साइड मैनेजमेंट कहते हैं। आज तक फार्मर्स क्या सोचता है, कैनाल आ गई तो सप्लाई साइड मैनेजमेंट से पानी आता है जी, तो उसका कैसे यूज करना है वो अपने हिसाब से वो करता है जी। कि गवर्नमेंट पानी देता है, हम अपने हिसाब से यूज करें। ओके, दूसरा क्या है कि जो भी हमारे कुएं है, बोर है, उसमें जो भी पानी है उसका कैसे इस्तेमाल करना है उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान देते हैं, क्योंकि बिजली की खपत ज्यादा होती है तो पावर का बिल ज्यादा आता है जी। तो ये बैलेंस हमें जरूरी करना है। मेरा एक्सपीरियंस है, छोटा सा फार्मर्स है जिसके पास 5 हॉर्स पावर का मोटर है या इंजिन है, तो साल में 2 करोड़ लीटर पानी यूज करता है जी। तो आप देखा जाए 2 करोड़ लीटर पानी है, एक पैसा भी आप काउंट करें तो उसपे जो भी उपज ले रहा है उसके सामने उसका जो पानी है उसकी कॉस्ट ज्यादा है जी। तो इस तरह जो फार्मर्स यूज करा है उसको पता ही नहीं कि मैंने कितना पानी यूज किया और मुझे कितना मिला, तो इसके ऊपर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जी। तो उसके लिए 2 प्रकार की मेथड्स है अभी जी। क्या है वो मेथड्स? तो जो सप्लाई साइड मैनेजमेंट है जी, जी। उसमें तो वाटरशेड मैनेजमेंट पूरा आता है। वाटरशेड मीन्स जो भी पानी जहां से आता है बारिश का उसको अलग अलग जगह पे रोक के जी जमीन में उसको उतारा जाए जी। जितना पानी नीचे ग्राउंड वाटर में जाएगा जी, उतना जी। पानी का लेवल जो है बढ़ेगा। कि आज तक हमने क्या किया कि कुएं खोदे, बोर करे, अभी तक देखे तो काफी एरिया में तो 1500 फीट के बोर है जी, बिल्कुल। तो जो पानी आता है आप उसमें हाथ डालेंगे तो भी आपको इतना गर्म आता है कि निकाल लेंगे जी। कि ऐसी अवस्थाएं काफी उत्तर गुजरात में भी है अभी जी। और दूसरा क्या है कि उसमें फ्लोराइड का प्रमाण भी इतना बढ़ गया है, क्लोरीन का प्रमाण भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, फ्लोराइड है, आर्सेनिक है, ऐसी इम्प्योरिटीज आ रही है जो खेत में जाती है जी। और जो जमीन है उसको खराब कर रही है जी। तो उसी को रोकने के लिए 2 प्रकार की जो सिस्टम्स है उसमें पहले के कंजर्वेशन करना, जो भी पानी बारिश का आ रहा है उसको कैसे जमीन में उतारा जाए जी। तो उसके लिए काफी मेथड्स है जी। तो उसको हम विस्तार से सुनेंगे जी जी जी। तो उसमें पहली जो मेथड्स है कि जहां से पानी बह रहा है हाँ जी, तो उसको पहले वैसे इंजीनियरिंग की भाषा में उसको कैचमेंट कहते हैं कि जहां से पानी शुरू होता है
और जहाँ निकलता है। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर जो जो भी मिट्टी है उसको वहाँ रोकना है, वहाँ छोटे छोटे नाले, प्लांट्स लगाने हैं, ट्रीज लगाने हैं, अच्छा पौधे लगाने हैं। तो उसकी वजह से कि ऊपर का जो मिट्टी का बहाव है वो कम होता कम हो जाए, तो पानी का जो फोर्स है वो कम हो जाएगा जी। जितना पानी का फोर्स कम होगा इतना पानी धीरे धीरे जमीन में नीचे उतरेगा, उतर जाएगा, समा जाएगा। जितना नीचे उतरेगा उतना पानी का लेवल बढ़ता जाएगा जी। तो इस तरह हम ऊपर से लेके ट्रीटमेंट शुरू कर सकते हैं। और जनरली आप देखा जाए कि जो ऊपर का जो लेयर होता है कि हमारे जो एरिया आ जाए तो उसमें वो पहाड़ी इलाका ही होता है जी, जी जी। और आज के जमाने में क्या है कि सभी ने पेड़ काटने शुरू कर दिए, पानी नीचे से खींचना शुरू कर दिया, उसकी वजह से जो पेड़ों का जो रख रखाव था वो पूरा खत्म हो गया जी। तो उसको उसी लेवल से हमें टॉप से शुरू करना पड़ेगा। टॉप से धीरे धीरे वहाँ प्लांट लगाए, पौधे लगाए, छोटे छोटे स्ट्रक्चर पत्थर के बनाए, तो इस तरह पूरा स्ट्रक्चर बना के हम नीचे आ सकते हैं। तो मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि एक मैदानी इलाके में रहने वाला किसान वहाँ कैसे पहुँचेगा इस कार्य को करने के लिए? उसमें क्या होता है, जो भी जमीन का जो बंधारण होता है, जनरली जो भी गांव होते हैं जी, जहाँ पानी की ज़्यादा दिक्कत होती है जो टॉप वाले उनको रहती है जी। मैदानी इलाके वाले के लिए तो क्या है, पानी वहाँ से आता है वो यूज करता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन जो पूरा वाटरशेड डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट देखा जाए, क्या ऊपर से लेके टॉप से लेके नीचे तक वो पूरी जो चैनल को ट्रीट किया जाए तो ही उसका रिजल्ट मिलता है। आज मैंने काफी डैम ऐसे देखे हैं जी कि जो बड़े बड़े डैम बनाए हैं लेकिन आज आधे मिट्टी से भर गए हैं। हाँ जी, क्यों? कि ऊपर का ट्रीटमेंट हुआ नहीं और नीचे मैदान वालों ने पानी का यूज किया है जी। और पानी जो भी स्टोर होता है वो कमांड के जो नीचे वाले है वही कैनाल वाले यूज करते हैं। तो ऊपर का जो भी एरिया है उसमें जितना मिट्टी का आप संरक्षण करेंगे, मॉइस्चर का संरक्षण करेंगे, तो आप पौधे लगाएंगे, तो जो मिट्टी बह के डैम में आ रही है जी वो बंद हो जाएगी। तो आप इस क्षेत्र में तो अनुभवी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब आप ये बता रहे हैं तो जागरूकता आ रही है हमारे दर्शकों को कि अगर पानी का जो बहाव है वहीं पर ही पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं ताकि मिट्टी का बहाव, मिट्टी नहीं बहे और पानी वहीं के वहीं रुक जाए। इस क्षेत्र में पहले किसे पहल करनी होगी, किसानों को या फिर शासन को? वैसे तो देखा जाए तो किसानों को पहल करनी चाहिए जी, क्योंकि किसान पानी पे ही डिपेंड है। जहाँ पानी नहीं है वहाँ खेती नहीं है जी। आज राजस्थान का काफी इलाका देखिए, गुजरात का भी, कच्छ का काफी इलाका ऐसा है जहाँ पानी नहीं है तो खेती भी नहीं होती। तो जहाँ पानी है वहाँ ही अच्छी तरह खेती होती है। तो पानी की जरूरत किसान को ज्यादा है हाँ, लेकिन उसके लिए फंड की जरूरत होती है, क्योंकि जो भी स्ट्रक्चर्स बांधने, जो भी चेक डैम्स बनाने हैं, एनीकेट बनाने हैं, हाँ जी, तो उसके लिए काफी कॉस्टिंग होती है जी जी। तो उसके लिए फार्मर्स को पहले शुरुआत करेंगे कि भाई हम हमारे खेत से शुरू करें, बाकी जो भी नाले हैं उसमें जो भी स्ट्रक्चर्स बनाने हैं उसके लिए गवर्नमेंट की हेल्प ले सकते हैं, काफी एनजीओज भी है उनकी भी हेल्प ले सकते हैं कि भाई इसमें क्या किया जाए, उसके लिए कॉस्टिंग ज्यादा होती है। लेकिन हमारे खेत में हमें काम करना है तो उसमें तो ज्यादा कॉस्टिंग आने वाली नहीं है जी। वैसे भी हम जो खेती की जो पद्धतियां है उसको भी थोड़ा भी चेंज कर ले तो भी हमारा काम सॉल्व हो जाता है। इसको हम वैसे इंजीनियरिंग की भाषा में इन सिटू सॉइल मॉइस्चर कंजर्वेशन कहते हैं कि जहां पानी गिरता है वहीं पे उसका संरक्षण किया जाए जी। तो उसके लिए काफी मेथड्स है जी जी जी। उसमें पहली जो मेथड्स है कि आप खेत में पूरा बंडिंग किया जाए कि आपका खेत है उसको चारों ओर से आप बंड करके कंप्लीट बना दिया जाए, तो जो भी बारिश का पानी आएगा वहां स्टोर होगा जी। और थोड़ा सा आउटलेट दिया जाए तो आधा फीट पानी स्टोर होगा फिर बाकी का पानी बह जाएगा तो मिट्टी भी वहाँ जो आधा फीट में मिट्टी जो भी हमारे खेत की है वो वहाँ स्टोर हो जाएगी जी, ठीक है। दूसरा जो है कि आपको डीप प्लाउंग करनी चाहिए हर 3 साल में एक बार जी। तो जो भी बारिश का पानी आता है वो सीधा ही जमीन में उतरता है क्योंकि वो नीचे का जो लेयर है वो लेयर टूट जाता है तो ऑटोमेटिक जो कैपिलरी एक्शन से पानी नीचे चला जाता है जी जी जी। तो एक ये दूसरा है। तीसरा है जो हमारी जो जमीन है उसका चेकिंग करना चाहिए जी। क्योंकि आज तक हमने जो भी फर्टिलाइजर्स डाले हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले हैं या कोई अदर फर्टिलाइजर्स डाले हैं, सेंद्रीय फर्टिलाइजर आज फार्मर्स कम डालते हैं जी जी जी। तो जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स डाले उसकी क्या इम्पैक्ट है वो भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से हम पूरा मैनेजमेंट कर सकते हैं कि हमें इसमें कितना खाद डालना चाहिए, कैसे डालना चाहिए, कैसी मेथड यूज करनी चाहिए। तो जमीन की ये जांच आसानी से हो जाती है?
हाँ, अभी तो गवर्नमेंट की काफी स्कीमें हैं जी, सभी एपीएमसी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केटिंग कमिटीज है जी, उनके इन्होंने लैब लगा दी है जी, तो कोई भी फार्मर्स वहाँ जाके अराउंड 67 रुपीज में उसका सैंपल चेक कर सकता है। काफी इफको है, ऐसी काफी संस्था है जो फ्री में भी करके देती है जी, जी, जो जी। कलेक्शन करके आप दे देते हैं तो फ्री में भी सॉइल सैंपलिंग निःशुल्क भी जाँच हो जाती है, हो जाती है जी, जी, जी। आपने बहुत अच्छे कुछ तरीके बताए। मैं जानना चाहूंगा कि शासन इन सारी स्कीम्स में कितना एक्टिव मदद कर रहा है किसानों की, या आगे बढ़कर के क्या स्टेप्स ले रहा है? देखा जाए तो शासन ने इतनी स्कीमें डाल दी है आज किसान के लिए जी, कि सेंट्रल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक काफी स्कीमें ऐसी है जो एग्रीकल्चर में काम आ सकती है जी। लेकिन फार्मर्स को क्या लगता है कि ये सरकार की स्कीमें हैं, हम कैसे यूज की, क्योंकि सरकार के आदमी आते हैं और स्कीम को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे इसमें प्रोविजन है कि ये स्कीमें फार्मर्स को इम्प्लीमेंट करनी है जी, लेकिन क्या है कि उनके बीच में तालमेल नहीं होता है कि सरकारी तंत्र का उनका अलग थिंकिंग है, फार्मर्स का आज तक का थिंकिंग अलग है, तो ये तालमेल कैसे बिठाया जा सकता है? तो उसके लिए एक तो दोनों को साथ में बिठा के पूरा प्लानिंग किया जाए कि भाई ये चीजें है, इसका बेनिफिट आपको ये होने वाला है, सरकार की ये स्कीमें हैं, इसका कैसे इम्प्लीमेंट करना है जी। वैसे मैंने काफी ऐसी स्कीमें इम्प्लीमेंट भी की है, वहाँ आदिवासी फार्मर्स भी प्रशासन के साथ बैठ के ऐसी स्कीमें इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, तो ये स्कीमें भी इजीली इम्प्लीमेंट हो सकती है जी, जी, लेकिन प्रशासन की ओर से भी अच्छे अधिकारी होने चाहिए। हाँ। और उनका भी माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा कि ये स्कीमें क्यों है, उसका क्या बेनिफिट्स है। कई बार क्या होता है कि कई अधिकारियों को पनिशमेंट के भी हिसाब से डाल दिया जाता है भी ये स्कीम आप हैंडल करो, अच्छा तो उसमें थोड़ा तालमेल में दिक्कत होती है, लेकिन आसानी से कर सकते हैं। किसी एनजीओ की भी आप हेल्प ले सकते हैं जी, तो उनके जो फैसिलिटेटर है वो डिवोटी होते हैं कि उनको ये होता है कि भी हमें फार्मर्स के साथ काम करना है और गवर्नमेंट के साथ भी काम करना है, बीच में वो कड़ी बन के भी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं। दोस्तों, विष्णु भाई की बात सुनकर के एक बात समझ में आ रही है कि प्रशासन कुछ अच्छी स्कीम्स लेकर हमारे बीच में आना चाहता तो है, लेकिन एक पहल हमें भी करनी होगी, एक कदम हमें उठाना होगा। तो एक कोशिश हम करके देखते हैं और विष्णु भाई से इस बारे में और भी बातचीत करते हैं। विष्णु भाई, बूंद बूंद हमारी बच जाए पानी की, हम बहुत बारीकी से, बहुत महीनता से इस कीमती संसाधन का प्रयोग कर सकें, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वैसे तो देखा जाए कि बूंद बूंद कैसे बचाना चाहिए, आज तक जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज आई, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, तो टेक्नोलॉजी तो आई लेकिन उसका फार्मर्स को कैसे इस्तेमाल करना है वो इतना डीपली सिखाया नहीं गया जी। फार्मर्स को यही सिखाया गया कि आप पेस्टिसाइड डालो, अच्छे बीज लाओ, लगाओ, पानी डालो, उसका क्या रिजल्ट होता है वो कभी दिखाया नहीं जी। आज फार्मर्स को आप बोलेंगे कि भी पानी का टेस्ट किया आपने कभी, तो फार्मर्स बोलेगा पानी का क्या टेस्टिंग करने का। लेकिन मेरे जो एक्सपीरियंस है जी, जी, जी। हमने एक फार्मर्स का हमारे पास फोन आया कि मैंने पपीता लगाया है हाँ जी, लेकिन पपीता में फ्लावरिंग आता है और गिर जाता है, अच्छा जी, तो उसका क्या रीजन होगा? तो फिर हमने उसका पानी का टेस्टिंग करवाया तो उसमें उसका टीडीएस ज्यादा था, अच्छा जी, तो वो टीडीएस की वजह से क्या होता था, जो भी फ्लावरिंग आता था वो ड्रॉप हो जाता था जी। तो फिर हमने उसको जो टीडीएस को बैलेंस करने के लिए चूना का पानी डलवाया जी, ड्रिप की वजह से, तो 15 दिन के बाद उसका जो भी पीएच का जो भी बैलेंस था वो ऑटोमेटिकली लेवल में आ गया। जितना पीएच का बैलेंस जो है वो 7.5 के आसपास आता है न्यूट्रल में, तो पौधा ऑटोमेटिकली सर्वाइवल होता है, तो उसकी वजह से उसका जो भी फ्लावरिंग ड्रॉप था वो रुक गया। तो इस तरह जो भी पानी हम यूज कर रहे उसका भी हमें टेस्टिंग करवाना है कि ये पानी हमारे खेत के लिए, हमारे पौधे के लिए सही है या नहीं। तो ये जो बूंद बूंद पानी है, वैसे हम सोचते हैं कि पानी तो मुफ्त में मिलता है, काफी गवर्नमेंट ने ऐसी स्कीमें बना दी है, लेकिन जो साइंटिफिक मेथड्स है, जो भी वैज्ञानिक लोग एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस है, उसमें ये कहते हैं कि आप पानी को इतना ही यूज किए जितनी प्लांट्स को जरूरत है जी। देखा जाए तो प्लांट्स को कितनी जरूरत है, जब पौधा ग्रो होता है उसी टाइम उसको पानी चाहिए, फिर उसका स्टेम निकलता है उसी टाइम पानी चाहिए, फिर फ्लावरिंग आता है उसी टाइम पानी चाहिए, फिर फ्रूटिंग होता है तभी पानी चाहिए, तो उसी जो स्टेज है, जो क्रिटिकल स्टेज है, उसी में जो आपने पानी दिया तो आपका जो भी पौधा है, जो भी फसल है वो अच्छी तरह ग्रो
हो सकती है और अच्छा उपज भी दे सकती है, आमदनी भी अच्छी दे सकती है जी। तो उसके ऊपर आज तक फोकस नहीं किया जाए। आज दुनिया में देखा जाए तो एक इजराइल देश ऐसा है कि जिसमें जिसका जहाँ 5 इंच बारिश होती है, 5 इंच बारिश होती है जी। लेकिन आज एग्रीकल्चर में सबसे बेस्ट देश वही है कि जो पूरा मार्केटिंग वाटर मैनेजमेंट पे ही करता है, जो भी पानी देता है वो ड्रिप इरिगेशन से देता है, बूंद बूंद सिंचाई से देता है जी। और फर्टिलाइजर भी उसी से जाता है। और आज यूरोपियन मार्केट में जो भी फर्टिलाइजर, लेस फर्टिलाइजर वाले जो भी जाते हैं जी, जनरली कहा जाए तो ऑर्गेनिक जैसे ही प्रोडक्ट जी, वो जनरली इजराइल से जाते हैं, से जा रहे हैं। तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसका जो हमारे देश में यूज किया जाए, ज्यादातर फार्मर्स इसका यूज करें तो काफी अच्छी तरह उसका हम बेनिफिट ले सकते हैं जी। आज तक देखा जाए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसकी स्कीम्स है उसमें 50% लेके 90% तक सब्सिडी है। गवर्नमेंट के जो अधिकारी है उन्होंने क्या कहा है फार्मर्स को कि ये पानी बचाने की सिस्टम है जी। तो फार्मर्स को तो पानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है जी। फार्मर्स को तो बोलता है कि मेरे कुएं में अच्छा पानी चलता है, 24 आवर्स पानी चलता है, मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं इतनी महंगी सिस्टम क्यों अपनाऊं। लेकिन आप फार्मर्स को ये सिखाइए कि भाई इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि इसको प्लांट्स को कब पानी चाहिए, कितनी नमी चाहिए, आप कब पानी दे रहे हो कब नहीं दे रहे हो, वो पूरी जानकारी होती तो ऑटोमेटिक उसको पानी का इम्पोर्टेंस रहता और वो जल व्यवस्थापन में अपना इम्पोर्टेंस डालता जी। विष्णु भाई, दोस्तों विष्णु भाई बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं और ड्रिप इरिगेशन जो इसराइल के बारे में इन्होंने बताया, मुझे लगता है कि इसे समझने की जरूरत है। विष्णु भाई, अब एक आखिरी और अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आपने बूंद बूंद कैसे बचाई जा सकती है उस पर भी बताया, जल संरक्षण के अनेक उपाय विस्तार से बताए, हमारे किसान भाइयों में जागृति आए और ये जो गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं इनके प्रति वो अवेयर हो जाएं, इसका क्या उपाय हो सकता है आपकी नज़र में? वैसे तो देखा जाए कि फार्मर्स जब तक वो देखता नहीं है, उसके रिजल्ट नहीं देखता है कि भाई ये फील्ड में लगा है और उसका ये रिजल्ट है, तब तक वो अडॉप्ट नहीं करता जी। दूसरा क्या होता है, फार्मर्स में भी अपनी एक लिमिटेशंस होती है कि जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम्स है उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा है और नई टेक्निक है जी। तो जो नई टेक्निक है उसको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फार्मर्स को कैसे समझाया जाता है, आज तक जो भी कंपनियाँ भी काम कर रही है, काफ़ी लोग भी काम कर रहे हैं, वही समझाते हैं कि भाई पानी का यूज़ कैसे कम किया जाए और अच्छी तरह फसल ली जाए। लेकिन आप उसको फर्टिलाइजर फर्टिगेशन सिस्टम से जुड़ा जाए और दोनों का कंबाइन करके, वैसे देखा जाए तो हम रोज खाना खाते हैं, आज सुबह खाया, दोपहर खाया, शाम को खाया, लेकिन फार्मर्स क्या करते हैं, आज पानी दिया 10 दिन के बाद पानी देगा तो पौधे को क्या मिलेगा, आज तो भरपूर खाना मिल गया जी, अब बाकी का जो पानी है वो जमीन में चला जाएगा जी। और बीच के जो पीरियड है 2-3 दिन उसमें वो अच्छी तरह खाना बनाएगा, फिर उसको पानी की कमी लगेगी, तो पानी की कमी लगेगी तो उसके सर्वाइव के लिए वो पानी यूज करेगा, खाना बनाने के लिए यूज नहीं करेगा। तो इस तरह क्या है, स्टार्टिंग में पानी ज़्यादा पड़ता है, बीच में नॉर्मल रहता है और तीसरी जगह कम पड़ता है जी। तो जो भी न्यूट्रिएंट हमने डाले हैं, जो भी खाद डाली है, उसका जो अपटेक है जमीन में से वो पानी के साथ ही जाता है, तो उसका जो बैलेंस है उसको करने के लिए हम जो रेगुलर पानी देते हैं, आज जैसे हम खाना खाते हैं ऐसे ही प्लांट भी खाना खाता है जी। तो उसको रोज पानी मिले, रोज खाना मिले जी, तो उसकी जो ग्रोथ है, उसकी जो क्वालिटी है फसल की जी, उसका जो प्रोडक्शन है वो मेंटेन होता है, वो ज्यादा भी मिल सकता है जी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा कि वाटर मैनेजमेंट में मेडिटेशन किस तरह से हेल्प कर सकता है? वैसे आज तक देखा जाए तो वाटर मैनेजमेंट में मेडिटेशन का जो भी यूज किया गया है उसमें मैंने जो पढ़ा था, जैसे बाली संस्कृति में दिखाया गया है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके जो भी पानी के जो स्रोत है जो इरिगेशन के लिए यूज होते हैं, तो उस स्रोत के पास एक टेंपल होता है जी। उसी टेंपल में उनका जो आदमी होता है, पुजारी होता है, वो पूरा प्रार्थना करता है, पानी को पूरा पवित्र बनाता है, फिर वो पानी खेत में जाता है जी। तो उसके जो इम्पैक्ट है काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स भी मिले, वो काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च भी किया है जी। तो इस तरह यहाँ भी हम मेडिटेशन का यूज़ कर सकते हैं कि मेडिटेशन से जो भी हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस है वो
हम पानी को दे सकते हैं, और जो पानी है उसका जो भी बंधारण है, आण्विक बंधारण है, उसमें चेंज होता है, उसके जो क्रिस्टल्स है वो भी चेंज होते हैं, उसके जो भी सिस्टम्स है उस वो भी चेंज होते हैं। तो उसकी वजह से क्या है कि जो पानी जाता है प्लांट में, तो प्लांट्स में जहाँ भी जाएगा वहाँ के जो लूप होल्स है उसको ब्लॉक कर देता है। तो उसकी वजह से जो भी बीमारियाँ है सब है, बाहर की जो भी आते हैं वायरस है या वो सब रुक जाते हैं। उसकी तरह वो पूरा प्लांट्स की बॉडी में, पौधे की बॉडी में पूरा एक रेजिस्टेंस पावर डेवलप कर देता है। तो इस तरह मेडिटेशन से जो भी पॉजिटिव वाइब्रेशंस है उसका हम खेती में भी यूज अच्छी तरह कर सकते हैं। जी विष्णु भाई, बहुत अहम जानकारी आज आपने शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो में पधार करके हमें दी है। आप अपना कीमती समय लेकर के हमारे बीच में पधारे, मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। दोस्तों, विष्णु भाई से बात करने पर पता चला कि समय समय पर हमने तकनीकों का इस्तेमाल भी किया, हम अपनी परंपरागत तरीके से भी खेती करते आ रहे हैं, लेकिन परिवर्तन के समय में परिवर्तन को सही रूप से अपनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अंधाधुंध तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं करना और पूर्णतया परंपरागत तरीके पर भी नहीं टिकना। हमें एक मिश्रित व्यवस्था की आवश्यकता है। इसीलिए ही हम आपके बीच में इस कार्यक्रम को लेकर के आते हैं जिसका नाम है शाश्वत यौगिक खेती टॉक शो। और वो मुद्दा क्या है ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये एक शॉर्ट फिल्म। कृषि में जल व्यवस्थापन, दैनिक जीवन में 70% पानी का खेती में उपभोग होता है। एक किसान साल में औसतन 2 करोड़ लीटर पानी का इस्तेमाल करता है, जिसमें से 40-50% पानी व्यर्थ जाता है, जिसका भूगर्भ स्तर पर सीधा असर होता है। भूगर्भ जल आज कई क्षेत्रों में 1500 फीट तक भी गिर चुका है। तब पानी क्षार से युक्त आता है, जो रासायनिक उर्वरों के साथ क्रिया करके जमीन को बंजर बना देता है। कृषि में जल व्यवस्थापन करना अत्यंत जरूरी है। पानी को बचाने के उपाय, खेती की नालियां इस प्रकार बनाएं कि बारिश की एक एक बूंद का उपयोग हो सके। बारिश के पानी के बहाव के मार्ग में बांध, एनिकेट, नाला प्लग आदि बनाने से भूगर्भ जल स्तर बढ़ता है। टपक सिंचाई अपनाने से 80% पानी और 50% खाद और उर्वरक की बचत होती है। केवल जड़ों में पानी पहुंचने से अनावश्यक खरपतवार भी पैदा नहीं होती है और फसल भी अच्छी होती है, जिससे 65% उत्पादन बढ़ जाता है। फव्वारा सिंचाई अपनाने से 10-60% पानी की बचत होती है और उत्पादन 50% बढ़ जाता है। यदि किसान अपने भूमि के 10वें हिस्से में 10 फीट गहरा तालाब खुदाई कर प्लास्टिक बिछाकर बारिश के पानी का संचय करें तो जल की कमी से बच सकते हैं। खेत की मेड़ों पर पौधे लगाने से पानी का बहाव कम हो जाता है और पानी जमीन में उतरता है। जमीन की नमी सूखने से पहले बुआई कर देनी चाहिए। समय समय पर निराई करने से 25-40% पानी की बचत हो सकती है। नई फसल पुरानी फसल के काटने से पहले बीच में बो देने से पानी की बचत होती है। इसे रिले खेती कहते हैं। पानी की जांच कराकर योग्य फसल लेनी चाहिए। मल्चिंग करने से नमी को हवा में उड़ने से रोका जा सकता है, जिससे सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। उचित ढलान में छोटी क्यारी बनाकर सिंचाई करने से पानी का अच्छी तरह नियंत्रण किया जा सकता है। केवल हैंडपंप खोदकर पानी का उपयोग न करें, वरन रिचार्जिंग एवं संचय कर पुनः भरण कर ही हम भयंकर जल संकट से निपट सकते हैं। पानी अमृत है, इसे धन की तरह संचय कर जीवन में खुशहाली बहाल करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में किसी अन्य मुद्दे पर चर्चा लेकर फिर से आपके बीच में हाजिर होंगे। यदि आपका कोई सुझाव है या कोई सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम की अगली कड़ी में खेती से जुड़े मुद्दे को लेकर
फिर से आपके बीच में उपस्थित होंगे। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।